हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा पोहा। इसे आप प्रसाद में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं मीठा पोहा। मीठा पोहा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप ताज़ा नारियल लिया है। नारियल को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। नारियल के ब्राउन पार्ट को हमने हटा दिया है। 1 बड़ा चम्मच काला तिल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 1 कप गुड़ है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 1 चम्मच घी डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ और नारियल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1.5 कप पतला पोहा डालेंगे, 1/4 कप मुरमुरा और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि पोहा टूटे ना। पोहा और मुरमुरा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मीठा पोहा बनकर तैयार है। अब इसे हम परोसेंगे। लीजिए दोस्तों, मीठा पोहा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप ज़रूर प्रसाद में बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।